बिहार चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। वहीं जाप पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की तरह दलित कार्ड खेला है। पप्पू यादव ने कहा, इस बार बिहार का सीएम एक दलित होना चाहिए। उन्होंने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की वकालत करते हुए कहा, अगर नीतीश कुमार को दलितों से इतना प्रेम ही है तो मांझी या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाए। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्थिति अच्छी नहीं है, चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ये दलितों की राह अलपना लगे, इनको ये पता नहीं है कि दलित एकता की को तोड़ने में नीतीश कुमार सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे, दलित की राजनीति को कमजोर करने में नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जीते जी ये नौकरी देते नहीं, मर्डर करके नौकरी देते हैं। दुनिया का एक ऐसी बड़ी घटना, इतनी कहते हैं कि मेरे राज में मर्डर नहीं होगा, लोग बोलेंगे कि मेरे राज में खुशहाली होगी, और ये कह रहे हैं मर्डर होगा। अभी चुनाव समय में एक लगभग 50-55% दलितों के पास एक डिसमिल जमीन नहीं है, लगभग 45% दलितों के पास एक रूम नहीं है। सबसे ज्यादा हिंसा दलितों का बिहार में होता है, सबसे ज्यादा दलितों के का बलात्कार बिहार में होता है। दशरथ मांझी ने बच्चों को नौकरी नहीं दिया, और आपको इतना शौक है दलित 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 करने का, तो आप चिराग पासवान या मांझी जी को आप सीएम बना दो, आप ही के घटक दल में है, मैं स्वागत करूंगा, बिना सर समर्थन दूंगा। क्या जाप बिहार में विधानसभा? अभी भैया मैं कह रहा हूँ, जा उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो जनता पर आपको 2 सप्ताह के अंदर नजर आ जाएगा। आज 5 मर्डर से मैं आ रहा हूँ, जो हालात है हर घर पे लाश गिरी हुई, पूरा नरसंहार, मंत्री इन्वॉल्व है, पदाधिकारी इन्वॉल्व है। नीतीश कुमार का बयान है कि अभी एक महादलित में भैया, वही तो मैंने कह दिया उस पे क्या स्थिति। 15 सालों के अंदर मैंने तो चुनौती दे दिया, ये 200 करोड़ का वर्चुअल रैली करते हैं, और सबसे ज्यादा डिसलाइकिंग इसकी रैली हो गई, 100 करोड़ का रैली गांधी मैदान में किया, इस बार इसकी स्थिति वर्चुअल ही होगी। इसलिए जो बिहार की स्थिति है उसमें बिहार और बिहारियों को बचाना जरूरी है। आज यूथ रोजगार की बात कर रहा है, पूरा देश कोलैप्स कर गया, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, देश गुलामी की ओर जा रहा है, पूरा यूथ कह रहा है रोजगार, अब 20 सालों तक रोजगार नहीं मिलेगा। बीपीएससी हो, नियोजित हो, सेवा आश्रम हो, बाढ़ हो, चिमकी हो, एनआरसी हो, कोरोना हो, कोरोना तो आज दुनिया के दूसरे नंबर पर हम आ गए हैं। क्या पप्पू यादव को कोरोना का डर नहीं है? भैया किस बात का डर होगा जनाब, 70 लाख लोगों से मिल चुके हैं बीमारी। आप सकारात्मक रहिए ना आम आदमी के प्रति, गरीबों के प्रति, आप जिस पर आम आदमी के साथ आप जीने की आदत डाल लीजिए, उसकी दुआ लीजिए ना, दबा लीजिए ना। कोरोना का डर किस बात का होगा, गरीबों को कोरोना हो गया क्या? पप्पू यादव ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा कोई दलित हो, ये चेहरा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हो, तो हर शर्त समर्थन देंगे। सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।